गर्भावस्था का नवा महीना आ चुका है, यानी कि डिलीवरी के लिए हो चुकी हैं आप रेडी। बच्चे ने भी कर लिया है सर नीचे, बच्चे ने भी कर लिया है सर नीचे, लेकिन बच्चे ने सर नीचे किया या नहीं किया हम कैसे जान सकते हैं? इसे जानना बेहद ही ज्यादा आसान है। आप अपने शरीर में आने वाले कुछ बदलाव से या बॉडी में होने वाले पेन्स के थ्रू जान सकते हैं कि बच्चा किस पोजीशन में है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का सर नीचे करना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। आढ़े टेढ़े बीच बच्चे में नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क डॉक्टर्स नहीं लेते हैं। कई बार बच्चे की बॉडी बाहर आ जाती है लेकिन बच्चे का सर बीच में ही अटक जाता है, क्योंकि बॉडी के कंपैरेटिवली जो सिर है बच्चे का वो बड़ा और भारी होता है। इसीलिए ठीक है, बच्चे का सर पहले आना जरूरी होता है, हेड डाउन करना बच्चे का जरूरी होता है। तो ऐसे में आप कैसे समझें? ठीक है फ्रेंड, अगर आपका पेट उठा हुआ है और अचानक से नीचे की तरफ झुक चुका है, नीचे की तरफ आपको लटका हुआ नजर आ रहा है, पहले पेट आपका यहाँ था, अब नीचे नाभि के बच्चे का भार प्रेशर आप महसूस कर रही हैं, तो बच्चे ने कर लिया है हेड डाउन। बच्चा 32वें सप्ताह के बाद कभी भी हेड डाउन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा 32वें सप्ताह में ही करे, 38वें या 37वें सप्ताह के बीच में भी कर सकता है। नंबर टू, अगर डिस्चार्ज आपको ज्यादा आ रहा है, डिस्चार्ज का पैटर्न आपको लिक्विडी है तो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स भी आपका स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जब बच्चा सर नीचे करता है तो धीरे धीरे करके बच्चेदानी का मुख खुलने के कारण आपको चिपचिपा डिस्चार्ज आ सकता है। वहीं पेन की बात करें तो लोअर एब्डोमिन में पेन रहना आपका शुरू हो जाएगा, कमर के निचले हिस्से में दर्द आपको महसूस होगा, आपको इस दौरान महसूस होगा आपकी थाइज में पेन, क्योंकि बच्चे का प्रेशर आएगा। ठीक है, वहीं आपको पैरों के तलवों के नीचे भी कई बार महिलाएं 9वें महीने में पेन महसूस करती हैं, योनि मार्ग में पेन बेहद ज्यादा आपका बढ़ जाता है। चलते फिरते समय आपकी जो चाल है वो डक वॉक यानी कि ऐसे ऐसे हो जाएगी, आपको योनि मार्ग में कुछ ऐसा लगेगा कि फंसा हुआ है। योनि मार्ग में प्रेशर, प्राइवेट एरिया में आपको प्रेशर महसूस होगा। कई बार महिलाएं बच्चे का सर अपने नाभि के जस्ट नीचे भी महसूस कर सकती हैं। ज्यादा दर्द हो तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन की समस्या आपकी बढ़ जाएगी, बच्चे का भार पेशाब की थैली पर पड़ेगा, पेशाब की थैली ज्यादा देर तक पेशाब होल्ड नहीं कर पाएगी और बार बार आपका जो यूरिन है वो टपकता रहेगा। बच्चे की मूवमेंट इस दौरान बेहद ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे को आप ज्यादा स्पेस नहीं मिलती है, बच्चा आप सीधा हो चुका है तो बच्चा अपने सिर्फ पैर मार पाता है, क्योंकि बच्चे का सर अब नीचे अटक जाता है, चिपक जाता है आपके पेल्विक रीजन में, तो बच्चा अपने हाथों को ज्यादा नहीं घुमा पाता है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। कई बार जब डिलीवरी नजदीक आनी होती है, रिलैक्सिन हार्मोन आपकी आंतड़ियों को रिलैक्स करता है, लूज मोशन की समस्या रहती है, ब्लीडिंग की समस्या भी आ सकती है जब बच्चा हेड डाउन करेगा। डिलीवरी डेट से 10 से 15 दिन पहले काफी महिलाओं में ब्लीडिंग की समस्या भी देखी जाती है। तो इस तरीके से आप घर बैठे जान सकती हैं कि बच्चे ने हेड डाउन किया या नहीं किया। तो कौन से महीना है गर्भावस्था का आपका, कमेंट बॉक्स में हमें भी जरूर बताइएगा।